बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई वेरी वेलकम यू स्टूडेंट्स टू दिस एम सी जी एम वी टी सी ऑनलाइन क्लास। एंड टुडे वी आर ऑब्जर्विंग इन स्टैंडर्ड 8। मैथमेटिक्स इज आर सब्जेक्ट एंड आर टॉपिक टुडे इज एक्सपांशन फार्मूला, यानी कि तौसी ज़ाब्ता। ठीक है, तौसी ज़ाब्ते के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सबसे आज के सेशन में। तो आज हम एक्सपांशन फार्मूले में एक्सपांशन ऑफ ए प्लस बी द होल क्यूब के बारे में यहाँ पर आज के सेशन में बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर जो तौसी ज़ाब्ता देख ए जमा बी कॉस इक्वल 3 की तौसी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बच्चों, स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है ए प्लस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी, है ना। इसका मतलब आपको मालूम है कि अगर ए की कोई भी अगर नंबर, जैसे कि हमने इससे पहले देखा था, उसमें उसकी अगर कुव्वत जितनी है तो उतनी बार हम उसको ज़र्ब करते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिमिलरली इसे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ठीक है, सो ए प्लस बी एंड ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से, या फिर हम इसे और भी इस तरह से देख सकते हैं ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरह भी देख सकते हैं हम इसे। और नेक्स्ट स्टेप में हम जैसे देख रहे हैं कि ए कॉस में ए की कुव्वत 2 जमा 2 ए बी जमा बी की कुव्वत 2 जमा बी कॉस में ए की कुव्वत 2 जमा 2 ए बी जमा बी की कुव्वत 2। ठीक है, जब हमने इस तरह से देखा, यानी कि ए से हमने इस कॉस को ज़र्ब दिया और फिर बी से इस कॉस को हमें ज़र्ब दिया है। ठीक है, तो क्या हमें मिलेगा यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में, तो हम देखेंगे यहाँ पर ए की कुव्वत 3 जमा 2 ए बी ए की कुव्वत 2 बी जमा ए बी की कुव्वत 2 जमा ए की कुव्वत 2 बी जमा 2 ए बी की कुव्वत 2 जमा बी की कुव्वत 3, इस तरह से हमें यहाँ पर मिलेगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे यहाँ पर हमें इस तरह से मिलेगा ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला है वो इस तरह से आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, कि ए की कुव्वत ए जमा बी कॉस की कुव्वत 3 बराबर ए की कुव्वत 3 जमा 3 ए की कुव्वत 2 जमा सॉरी 3 ए की कुव्वत 2 बी जमा 3 ए बी की कुव्वत 2 जमा बी की कुव्वत 3, इस तरह से। ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ पर जो है तो इस फॉर्मूले को मज़ीद यहाँ पर जो है तो समझ लेते हैं। ठीक है, हमें याद रखना है बच्चों यहाँ पर ये बुनियादी तौर पर हमें कुछ चीज़ें हैं जो जहन में हमारे रहना चाहिए। क्या है वो, कि मकब की तौसी शुदा शक्ल में पहला रुकन चौथा रुकन पहले रुकन और दूसरे रुकन के मकब हैं। ठीक है, द फर्स्ट टर्म द फर्स्ट एंड द फोर्थ टर्म्स इन द एक्सपांशन आर द क्यूब ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड टर्म्स। ठीक है, इसी तरह से हमें यहाँ पर याद रखना है कि दूसरा रुकन मकब के पहले रुकन के मुरब्बे और दूसरे रुकन के हासिल ज़र्ब का 3 गुना है। ठीक है, द सेकेंड टर्म इज़ द 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टर्म स्क्वायर्ड एंड द सेकेंड टर्म। ठीक है, इसी तरह से हमें यहाँ पर तीसरी बात याद रखना है कि तीसरा रुकन मकब के पहले रुकन और दूसरे रुकन के मुरब्बे के हासिल ज़र्ब का 3 गुना है। ठीक है, द थर्ड टर्म इज़ 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड द स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म। ठीक है, इस तरह से।
अब इस फॉर्मूले को अगर हमने यहाँ पर समझ लिया है तो हम जो है तो आगे इस तरह के सवाल हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इस जाब्ते को ध्यान में रखना है, इस फॉर्मूले को, और हम प्रैक्टिस सेट 5.2 से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हल करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पर ले रहे हैं बच्चों, यहाँ पर हमें इसे एक्सपांड करना है, तौसी करना है इसकी। ठीक है, तो ये हेयर इज़ द क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 5.2, दीज आर द 5 क्वेश्चंस। ओके, सो वी आर सपोज टू हल टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। सो हेयर इज़ ऑन योर स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 1, k plus 4 the whole cube. Okay, and while we are doing this will be the step for this one. यहाँ पर हम देख सकते हैं k की को k cos की को 3 जमा 3 जरब k square into 4 plus 3 into k into 4 the whole square plus 4 the whole cube like this. Okay, and after doing this step we are supposed to finish this step like this, k cube plus 12 k square plus 48 k plus 64. Okay, like this. So the answer is here. Okay, k की को 3 जमा 12 k की को 2 जमा 48 k जमा 64, है ना। अगर हम यहाँ पर 4 into 4 into 4 करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 64 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं, 4 into अगर हमने यहाँ पर किया तो हमें यहाँ पर 4 into k करने पर हमें यहाँ पर 12 k मिला है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका आंसर यहाँ पर देख रहे हैं। ओके, नाउ विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारा जो दूसरा सवाल है वो है 7x जमा 8y cos की कुत 3 है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जब हम इसे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में जैसे स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, देखिए स्टेप काफ़ी बड़ा है लेकिन अगर हम ध्यान से इसे करें तो ये आसान है। थोड़ा सा ध्यान और थोड़ा सा हमें यहाँ पर कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। ठीक है, तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर कि कॉस की कुत यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे 7x cos की कुत 3 जमा 3 cos में 7x की कुत 2 8y जमा 3 cos में 7x, दूसरे कॉस में 8y की कुत 2 जमा 8y की कुत 3, इस तरह से। तो अब देखेंगे नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है तो हमें इस तरह से मिलेगा यहाँ पर 343x³ + 3 ((49x²) नेक्स्ट ब्रैकेट 8y + 3 (7x)² + 512y³, like this will be the step, the second step. Now the final step of this question will be here on your screen. So here is 343x³ + 1176x²y + 1344xy² + 512y³ is the answer for this one. So this will be the answer. Okay, like this we can solve many questions. So here we are supposed to do the next question. And the next question is on your screen there. The third question is here. 7 jama m cos की कुत 3. ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या लेना है, देखिए अगर हम यहाँ पर इसको ध्यान दें, जिस तरह से हमने जो है तो यहाँ पर जो पढ़ा था, जो हमें यहाँ पर पॉइंट याद रखना है
वो पॉइंट अगर आपने याद रखा तो आप आसानी से इस तरह के सवाल जो है तो कर सकते हैं ना। जैसे हमने देखा था कि तीसरा रुकन है तो मकब के पहले रुकन और दूसरे रुकन के मुरब्बे के हासिल ज़र्ब का 3 गुना है ना। फिर इसी तरह से हमने देखा था कि दूसरा रुकन अगर हम देख रहे हैं तो मकब के पहले रुकन के मुरब्बे और दूसरे रुकन के हासिल ज़र्ब का 3 गुना है। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि मकब की तौसीशुदा शक्ल में हम देखते हैं कि पहला और चौथा रुकन पहले और दूसरे रुकन के मकब है। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है। तो हम आसानी से इसे देखेंगे कि यहाँ पर अगर आप गौर कर रहे हैं यहाँ पर तो आपको ये बात यहाँ पर समझ में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा स्टेप इस तरह से बनेगा, कॉस में 7, कॉस इक्वल 3 जमा 3, कॉस में 7, कॉस इक्वल 2, एम जमा 3, 7 कॉस में 8, एम 7 8 एम की एम कॉस इक्वल 2 जमा एम की कुत 3, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे हम नेक्स्ट स्टेप इसका, 343 प्लस अब इसे सॉल्व कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, सो 3 इंटू ब्रैकेट 49 इंटू ब्रैकेट एम प्लस 21 एम स्क्वायर प्लस एम क्यूब। नाउ द फाइनल स्टेप फॉर दिस वन, 343 प्लस 147 एम प्लस 21 एम स्क्वायर प्लस एम क्यूब। ओके, दिस विल बी द आंसर। सो लाइक दिस यू कैन डू मेनी क्वेश्चंस स्टूडेंट्स। नाउ विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, द क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 52 कॉस इक्वल 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमने इसके पार्ट करने हैं, 50 प्लस 2 कॉस इक्वल 3। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर स्टेप हमारा इस तरह से तैयार होगा, 50 कॉस इक्वल 3 जमा 3 50 कॉस इक्वल 2 कॉस में 2 जमा 3 कॉस में 50 कॉस में 2 कॉस इक्वल 2 जमा कॉस इक्वल 2 कॉस इक्वल 3, इस तरह से। ठीक है, सो नाउ विल बी वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस वन। थोड़ा सा यहाँ पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, कैलकुलेशन है इसके अंदर। ठीक है, अगर कैलकुलेशन हम प्रॉपर करेंगे तो आंसर हमें सही से मिलेंगे, है ना। ठीक है, तो ओनली मल्टीप्लिकेशन वर्क इज़ हेयर, ओनली द टेबल वर्क इज़ हेयर। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं 125000 प्लस 3 इंटू ब्रैकेट 2500 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट 2 प्लस 3 ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट 50 इंटू ब्रैकेट 4 प्लस 8। नाउ द आंसर 125000 प्लस 15000 प्लस 600 प्लस 8 विल बी द आंसर फॉर दिस वन। ओके, सो 140608 विल बी द आंसर। ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके, अब यहाँ पर हम जो है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 101 कॉस की कुवत 3। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसे हल करेंगे तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि 100 की कुवत 3, यहाँ पर 100 कॉस की कुवत 3 जमा 3 कॉस की कुवत, यहाँ पर हम देख रहे हैं 100 कॉस इक्वत 2 ज़रब या कॉस में 1 जमा 3 कॉस में 100 कॉस में 1 कॉस इक्वत 2 जमा 1 कॉस इक्वत 3, इस तरह से। आप देखेंगे यहाँ पर स्टेप हमारा इस तरह से बनेगा यहाँ पर। ठीक है, कॉस इक्वत 3 है, यहाँ पर 100 हम देख रहे हैं, द होल क्यूब इज़ हेयर। सो आंसर विल बी 100000 प्लस 3 इंटू ब्रैकेट 1000 ब्रैकेट क्लोज प्लस 300 प्लस 1। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि आंसर हमारा जो है तो इस तरह से यहाँ पर बन जाएगा
0 0 0 0 0 0 plus 3 0 0 0 0 plus 3 0 0 plus 1 will be the answer for this one. तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पर आंसर इस तरह से मिलेगा 1030301. ओके, दिस विल बी द आंसर फॉर दिस वन. सो लाइक दिस स्टूडेंट्स, वी कैन कंप्लीट द फर्दर क्वेश्चन ऑल्सो फ्रॉम दिस सेम पैटर्न. सो वी हैव डन हियर 5 क्वेश्चन फॉर यू. फर्दर क्वेश्चन यू आर सपोज टू सॉल्व द क्वेश्चंस. ओके, सो होप यू. तो बच्चों, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको. तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है. एंजॉय दिस सेशन एंड ट्राई द अदर क्वेश्चन फ्रॉम योरसेल्फ. ओके, बेस्ट ऑफ लक. अस्सलाम वालेकुम.